तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरी। शांत रहिएगा, आप शांत रहिएगा। महाराज जी आ रहे हैं क्या? समझ गए हमने क्या कहा। पिछले 2 सालों में आपने कोरोना का तांडव देख लिया होगा। कितने ही आपके इष्ट मित्र, इष्ट परिजन, किसी के पति, किसी के बच्चे, किसी की माता, किसी की दादी, और हमने कितने ही विद्वानों को खो दिया, ये सब आपने देखा होगा। इसलिए हम एक बात कह रहे हैं, भाई तीर्थंकर से बलि तिनकी मौत नहीं टली, अब क्या करिए। प्रश्न ये कि अब क्या करिए। ये बाहर की आवाज बढ़ाओ, स्पीकर की बाहर की। समझ आए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरी। अब मैं आचरण की शिक्षा दूंगा और तो क्या, मुझे तो कहने के लिए इतना है कि मत बढ़ाओ सीटी, आएगी जितनी आ रही सुन ले, बस वही सुन लो जितनी आवाज आ रही है। जिस पंथ चले भगवंत वही वही बताओ। हमने उस असार दुनिया में असार प्रयत्न बहुत किए, पहले असार पढ़ाई कर ली, फिर असार कमाई कर ली, फिर मकान बना लिया, पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जो मृत्यु हुई है वो कैसी हुई उन लोगों की। कोई आईसीयू में रह गए, कोई को डॉक्टर नहीं मिल पाया, कोई को इंजेक्शन नहीं मिल पाया, कोई बच्चे देखने वाले नहीं थे। मैंने इतना दर्दनाक दृश्य है 2 सालों में कि घर में सब स्टेशन है, लेकिन डॉक्टर ने कह दी क्वारंटाइन, एक कमरे में बंद कर दो, और ऐसे उन्हें भोजन करा रहे थे जैसे हम अछूत हो। कैसे क्या क्या नहीं देख रहा आप सब। हम तो इतनी सी प्रेरणा करना चाहते हैं, जिस पंथ चली बस। अब पंथ माने कोई सड़क तो है नहीं, पंथ माने होता है उपाय। जिस पंथ चले भगवत, आज आप लोग बस यहाँ से यही प्रतिज्ञा करके जाओ। मुझे दिन का एक बहुत अच्छा भजन लगता है, मैं सुनाया होगा अभी कि नहीं सुनाया, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा। मैं तुमसे कहूँ कहीं गा के सुना दे, दो लाइन बहुत अच्छी लगती है। आप ही आप कौन सा सुनाओगे पता है? नहीं, आप ही सुनाओ। मैं मुझे इतना अच्छा लगता है वो, क्या है तुम गाते हो? एक प्रण है हमारा ना जन्म में दोबारा, क्योंकि इन विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। युवा लोगों से खास कहूंगा मैं पहले, बेटे आप जितनी आवाज आ रही बेटे आने तो, हमें धीरे बोलेंगे तो कैसे आएगी। आज हम ये समझ लो भगवान और आपके बीच में हम ब्रिज बन के खड़े, भगवान तो नहीं साक्षात, हम उन्हीं के ब्रिज बन के आपको कुछ कह रहे हैं। बेटे तुम्हारा घर अनाथ हो रहा है, तुम्हारे घरों में से जिनवाणी बाहर हो रही है। जब जिनवाणी की बात करते तो तुम ऐसा बोलते कौन पड़ेगा, हमारे घर में जगह नहीं। घरों में से जिनवाणी लोग बाहर कर देते, पढ़ते नहीं है ज्यादा, तो मोबाइल में है ना 10 लाख है ना, वो मोबाइल में भजन सुनते, वो हम प्रवचन सुन लेते हैं पारस चैनल पे। ठीक है आप जो कर रहे हो बेटर देन है, लेकिन आपको पता है यदि आपने हिंदी में पढ़ा हो, मैंने हिंदी में पढ़ा है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। अफगानिस्तान के मैं अमेरिका ने बहुत अटैक किए, वहाँ उनके खाने के लिए गेहूँ नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, दाल चावल नहीं मिला, लेकिन एक भी झोपड़ी ऐसी नहीं थी, टूटी फूटे खंडन ऐसे नहीं थे जिसमें कुरान नहीं है। मुझे आपसे बस आज सारे साहित्य लेके मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे ये कहना है आपको, जिस समाज को नष्ट करना हो उसका साहित्य नष्ट कर। हमारे जैन शासन के ग्रंथ आप कल्पना कर सकते हो,
हमारा साहित्य नष्ट करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किन्ने किया, वो मैं इतिहास नहीं सुनाता हूँ, सुन लेना आप, मैं बता दूंगा आपको इतिहास का एक पूरा वर्णन हो। 6 महीने तक हमारे ग्रंथों की होली जलाई गई। उज्जैन का नवाब हमारे ताड़ पत्रों को जला करके पानी नहाने का पानी गर्म करता। दिल्ली में हम अपने लाल मंदिर के ऊपर वो नहीं लगा सकते थे सोने का सिंह कलश। वहां के नवाब ने कह दिया था जो लोग रात्रि में भोजन नहीं करेंगे उनकी संपत्ति छीन लो, उन्हें बाहर निकाल दो। जैनी लोग, प्रतिमाधारी लोग, धर्मात्मा लोग रात को खाते भी नहीं थे और रात को रसोई बनाने का ड्रामा करना पड़ता था, धुआं निकालना पड़ता था, खलबट्टा बजाने पड़ते थे और बोलना पड़ता था क्योंकि जैनों के खिलाफ वहां बैठे रहते थे जासूस, भैया भूख लग रही बना कि नहीं बना, लोग जा बस कड़ी और बन रही, बस चटनी और बट रही। ये ऐसे झूठे ड्रामे करके बरसों बीती बीते, हमें बड़ी मुश्किलों से जैन धर्म मिला। बस आपसे एक ही बात की प्रतिज्ञा चाहते हैं कि आप एक प्रतिज्ञा करो कि यदि आपके घर में जिनवाणी है तो उसे बाहर नहीं निकालना, यदि आपके पास जिनवाणी है तो उसे पढ़ना। मैं अब बुजुर्गों से कहता हूँ, बुजुर्गों से आप करोड़ों रुपए दान मत देना, बिल्कुल चलेगा, लेकिन अपने घर को भगवान की दिव्य ध्वनि से खाली मत करना। क्यों, उसकी पूरी बात कह रहा हूँ आपको समझ। मैं जानता हूँ अभी भी 99% घरों को काम नहीं होता जो मैं कहने जा रहा हूँ। एक बच्चा कॉमिक्स पढ़ता है लेकिन हम अपने घर में जैन कॉमिक्स ही नहीं रखते, तो वो पढ़ता है जो भी मिलता है डायमंड बुक्स। हमारे पास 200 से 250 प्रकार की जैन धर्म की कॉमिक्स दिल्ली के लाल मंदिर में मिलती है। आप मंगा लो, हर घर में रखो, बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, मेहमान के बच्चे पढ़ेंगे, पड़ोसी के पढ़ेंगे, मोहल्ले के पढ़ेंगे। आपको इस बात की चिंता है कि बच्चे लड़कीबाजी कर रहे हैं, आपको इस बात की चिंता है कि बच्ची भाग गई, आपको इस बात की चिंता है कि बच्चे चैटिंग कर रहे हैं, आप उन्हें ऊपर से डांटते हो, लेकिन उनके उपयोग लगाने के लिए साहित्य रखो। प्रतिमान युग का इतना सुंदर सुंदर साहित्य, मैं तो अभी एक एक का वर्णन भी नहीं कर पाऊंगा, इतना सुंदर साहित्य आप मेरे कहने से पढ़ के देखो बस, ना आपके बच्चों के संस्कार बदल जाएंगे। कहते हैं तो प्रतिमान युग से शुरू करो, हम नहीं कह रहे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो, आप प्रतिमान युग में सब लाके रखे मेरे नाम। बच्चों के लिए जैन बाल बोध, सबसे छोटे बच्चे के लिए LKG UKG नर्सरी के लिए ये पूरी किताब आप पढ़ के देख रहे हैं। धन्य कुमार चरित, महारानी चेलना, सम्यक कथा, दर्शन कथा जिसके ऊपर गजमोती बनी है, दर्शन कथा, प्रद्युम्न चरित श्री कृष्ण के पुत्र, अकलंग निकलंग इनका बलिदान, कितनी मेहनत की इन्होंने। भगवान पारसनाथ, मुझे तो वर्णन करने की याद आ रही है, भगवान पारसनाथ की भूमि में आपको पूरा इतिहास भी नहीं मालूम होगा, आप बता सकते हो? सम्य शिखर जी कहते थे आपको एक पहाड़ के पे 20 टोंगे दिखती है केवल, 40 योजन का है सम्य शिखर, यहाँ से लेकर भुवनेश्वर तक 810 मील, यदि हम स्क्वायर में कहें स्क्वायर में तो 90 स्क्वायर मील, इतना बड़ा है, ये तो बहुत छोटा देखा। अब जरा कल्पना करो, यहाँ रावण दर्शन करने आया था और यहीं से उसको एक पंचम गुण स्थान बढ़ती त्रिलोक मंडन हाथी मिला था और उसे भी ले गए थे, और जब रावण का मरण हुआ तो विभीषण ने वह भेंट उनको दी, हमारे यहाँ पंचम गुण स्थान बढ़ती, ये आपके योग है, ये जी बहुत पात्र है, उन्हें दिए रामचंद्र जी को, और वो विमान था ना पुष्प विमान, उसमें उसे हाथी को लेकर आए थे, और जैसे ही भरत को देखा, भरत को सम्यक दृष्टि हुआ, अनुवृत्ति हुआ। ये कहानियों में इसी जंगल की कहानी है, इसी जंगल में इन्हीं पारसनाथ भगवान को सम्यक दर्शन हुआ है, हाथी की पर्याय में यही थे वो। अभी तो पूरी बात बताऊंगा तो मैंने एक बना लिया पूरा, पूरी जानकारी, 5000 मुनिराजों का भी यहाँ पर जंगल में रहने की व्यवस्था है, जंगल में ग्रंथ लिखने की डेस्क है, सर्वाई तक नहीं हो जाए ऐसे मुनिराजों के आराम करने की शिलाएं सर्वाई करना, ध्यान की निशान है, निशान पद्मासन जैसे बैठते हैं ना, ये स्थान पर बारंबार
उस स्थान पर पद्मासन के निशान है। मैं कहां तक बताऊंगा इतनी जल्दी से, आपको पूरी बात भी नहीं बता सकता, लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। तपोभूमि कितनी बड़ी है, हमें तो वहीं जाकर के लगता है थोड़ा सा। मैं आपको हजारों चट्टान दिखा सकता हूँ जहाँ पर रात्रि में महिला सोती थी, जहाँ दिगंबर महिराज का केवल ज्ञान हुआ है, रात को 3 बजे उठकर यहाँ पर ध्यान करते हैं महिराज। आपको ऐसे हजारों शिलाएं दिखा सकता हूँ चारों तरफ। कह तो इसलिए रहा हूँ कि जब आप यहाँ से जाओ ना, सब हर पर्वत को नमस्कार करते हुए जाओ, वाह धन्य दिगंबर सा विराज। अब आई भगवान, जिस पंथ चले भगवान वही आ जाए। दो बातें कहकर के बात पूरी करूंगा, बातें तो बहुत सारी हैं, आपका भी विधान है, मेरे को भी जानना है। दो बातों में से एक बच्चों से मुझे कहना है, आपको महावीर भगवान अच्छे लगते हैं कि नहीं? बच्चों की आवाज नहीं आई, बच्चियों की आवाज नहीं आई, फिर से पूछ लेता हूँ। चलो आपको महावीर भगवान अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? पारसनाथ अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? पक्का? तो हमें एक बात कहना, यहाँ से जाते समय आप, मैं नहीं कहता बहुत सुधर जाने, लेकिन एक इंच सुधर जाने। एक इंच में सबसे पहला है हमारे घर में जिनवाणी लाना है। आपको जहाँ कहीं जाओ जिनवाणी लाओ, ये मत कहो कि सब जगह वही जगह। हम कहते हैं आपके लड़के की शादी में 1 करोड़ का दहेज आए, तो आप कहते भैया जगह नहीं। अरे पंडित जी एक कमरा और बना लेंगे, एक अलमारी और खरीद लेंगे, एक लोकर रोल ले लेंगे पहन कर। जब आप अपने घर में एक कमरा बना सकते हो शादी के लिए, लोकर ले सकते हो, अलमारियां खरीद सकते हो, तो हमारे में से एक के भी घर में से जिनवाणी की एक अलमारी कम से कम होनी ही चाहिए। कभी नहीं निकालना जिनवाणी, क्यों मैं फिर कह रहा हूं, जिनवाणी होती है वो प्रत्यक्ष पड़ता है। जैसे एक मोक्ष बात बता सकती है, तुम्हारे पास मोबाइल है तो मोबाइल पढ़ लोगे, तुम्हारे दादाजी कैसे पढ़े, तुम्हारी मम्मी बीमार है आधी रात को 2 बजे वो कैसे पढ़े, लेकिन मोक्ष मार्ग बता सकती है तो वो पढ़ लेगी, छह डाला है तो वो पढ़ लेगी। लेकिन घर में से ग्रंथों का अभाव होना माने हमारे जैन शासन का अभाव। सही बात। एक काम बिल्कुल जिनवाणी लानी है, 10-10 प्रतियां लानी है, पसंद आने वाले ग्रंथ 10-10 रखो। आपके घर में मेहमान आते हैं उन्हें तिलक करते हो, रुपया देती हूँ, कपड़ा देती हूँ, चलो एक कॉमिक्स दे, जैसे अभी अलम ने दिखाई कितनी सुंदर किताब है, मैं आपको इसको इसका एक एक पेज दिखाऊँ ना, ऐसे सुंदर सुंदर चित्रों से सजी हुई। आजकल बच्चे चित्र वाली किताब चाहते हैं, ये पौराणिक कहानी के 6 भाग, जैन धर्म की कहानी के 25 भाग, बिल्कुल सरल हिंदी में आप उन्हें ले सकते हो। और ये तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे छपा लेना वहाँ 1000। सदाचार नियमावली, मैं जब छोटा था छोटा था दूसरी तीसरी पढ़ता था, तो हमें रात में कहा जाता था कि जब तक हम सो रहे हैं तब तक खाने पीने का त्याग। नहीं ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा, सो रहे जब तक जगेंगे तो किताब है। उस समय जो बचपन का संस्कार हुआ हमें कि हमें छोटे छोटे नियम लेना सीखा, इसमें भी छोटे छोटे नियम। यदि तुम में से कोई बहुत बिगड़ा हुआ लड़का हो जिसे डर लगता हो कि हम अंदर भी नहीं जा सकते, हम तो बाहर ही, मैं उस बच्चे से भी ये कहना चाह रहा हूँ केवल इसे जरूर रख लेना, कोई किताब नहीं रखो तो इसे रखना। इसमें क्या लिखा है मैं बताता हूँ, जैसे मन के चलो वो कह रहा है मैं नहीं सुन दूंगा, मैं सुधर भैया तू 24 घंटे तो आलू नहीं खाएगा ना, 24 घंटे तो प्याज नहीं खाएगा ना, तो एक काम कर 2 घंटा खाऊंगा 22 घंटा नहीं खाऊंगा, इतना त्याग कर। खाली ना तू 1 घंटा सुबह खा लेना, 1 घंटा शाम को खा लेना, अब तो ठीक कि नहीं खा, मैं 4 बार खाऊंगा तो ठीक है, तुम आधा आधा घंटा 4 बार खा लेना, ऐसे 2 घंटा करें। अब बताओ क्या करेंगे? एक नियम बताया मैंने, ऐसे आप रात्रि भोजन पानी जिस पंथ चले उसका छोटा सा रास्ता आपको बता रहा हूँ, स्वाध्याय पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, 2 अक्षर पढ़ो जरूर, ठीक है। एक 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 बहुत सुंदर सुंदर नाटक, इसकी तारीफ करने का अभी समय नहीं मेरे पास, आप में से जो लोग भी स्वाध्यायी हो, जिन भक्ति सिंधु एकदम नई पुस्तक आई है, भक्तियों के संग्रह इस समय यदि पृथ्वी पर, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ पृथ्वी पर हमारे भारत की समझ कि मेरे लिए यदि कोई सन्मार्गदाता है, निमित्त है मेरे लिए, जिन्होंने मुझे इस मार्ग में लगाया है, आगे बढ़ाया है, वो है पूजनीय ब्रह्मचारी रविन्द्र कुमार जी साहब आत्मन अमाय। उनका साहित्य आप पढ़ के देखो,
इसमें भक्ति ही भक्तियां हैं। एक बार पढ़ के देखो, ये जो साहित्य है, मैंने कल रात को ही बताया था, आप लोग नहीं थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी संस्कृत नहीं आती, प्राकृत समझ में नहीं आती, कुछ नहीं आती। तो एक माँ ने अपने बच्चों को लेटर लिख लिख करके धर्म सिखाया, मेरे कहने से एक बार इसके लेटर पढ़ लेने पर। केवल बच्चों को समझाने के लिए एक माँ ने दूर रहते हुए लेटर लिखे, वो आप इसमें से पढ़ लेना, एक एक पुस्तक तत्व ज्ञान तरंगनी, जिन लोगों के लिए खासतौर से 60-70 से ऊपर हुए उन्हें कुछ नहीं चाहिए समाधि मरण तक, तो जी एक किताब बहुत है उन्हें समाधि मरण कराने। एक एक छंद है, चूस हो रहा है। तो एक तो मैंने साहित्य का परिचय दे दिया, एक हमारे पास ग्रंथ है जिसे मैं चाहूंगा कहाँ लाइब्रेरी, एक दुर्लभ कृति मुझे भी पता अगली बार छपेगी कि नहीं छपेगी। उत्तम चंद्री साहब ने संस्कृत आचार्य कौन कौन स्वामी, सॉरी अमृतचंद स्वामी और जयसेन स्वामी, दोनों आचार्यों की कंपेरेटिवली सरल हिंदी संस्कृत की इसमें की है, इसलिए थोड़ा मोटा हो गया। ये कृति अभी तक कहीं नहीं थी अपने पास, पूरे हिंदुस्तान में सब ढूंढते थे, कहीं नहीं मिलती थी। पहली बार ये इनके ट्रस्ट ने छपाया है, कौन कौन 30 वर्ष से ट्रस्ट। मैं तो ये चाहूंगा जहाँ पर पंचास्ती का है, पंचास्ती का मतलब समझते हो, यदि आपको समय सार समझ में नहीं आता है, प्रवचन सार जी समझ में नहीं आता, नियम सार जी समझ में नहीं आता है, तो ये छह डाला वाला ग्रंथ है आचार्य कौन कौन स्वामी का, बराबर द्रव संग्रह वाला ग्रंथ है, यूँ समझ लीजिए, बिल्कुल सरल भाषा में छह डाला है ये समझ लीजिए। तो ये हर घर के लिए हमारी संस्था से आप नीचे रख मैंने विराजमान करेंगे इनको, जितने मात्रा में आप ले जाना चाहें ले जाइए, जो आप डालना चाहें धनराशि वो उसमें डाल दीजिए, नहीं डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सबसे साधारण की बहन आपको तो 5 जनों को इन्होंने कुछ दिया है अवार्ड, क्या 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 कुछ दिया है, जो भी भेंट किया है। हम चाहेंगे हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए एक प्रति, आप इसे भी लें। और एक है जैन भूगोल, ये भी इसी लेखिका का है, उज्ज्वला सार, एक ही लेखिका है। मैं ये तो नहीं कहता कि आपको गणित समझ में आएगा, तीन लोग समझ में आएंगे, नदी सोटी समझ में आएगा, नरक के वर्णन समझ में आएंगे, लेकिन एक बात कह सकता हूँ, जिसे कुछ समझ में नहीं आता उसे इसमें से पढ़ने के बाद जैन भूगोल पूरा समझ में आएगा। आप चाहो तो एक बार पढ़ के देख लेना, इसमें भी इतना सरलीकरण अभी तक हिंदुस्तान में किसी ने इतना सरलीकरण नहीं किया। एक जितेंद्र राठी करके एक शास्त्री है, राठी मैं समझ गया, उस व्यक्ति को इतना अच्छे लगे वो 20 प्रवचन वीडियो प्रवचन, उसने वर्ड टू वर्ड लिखा है, जो ग्रस्त है अपनी बच्चों के साथ रहता है, उसने जितेंद्र राठी मैंने नॉन जैन, उसने इसको संपादित भी किया, इसका हिंदी किया, वो क्या कहलाता है वर्ड टू वर्ड लिखा और इसको प्रकाशित कराया। तो जो लोग थोड़ा भी तीन लोग की रुचि रखते हो, थोड़ी सी भी, मैं तो बच्चे भी पढ़ेंगे तो उन्हें मजा आएगा। तो एक ये प्रस्तुति एक किताब हम आपको कम से कम, मैं समझता हूँ 100 परिवार यहाँ आए हों तो 100 प्रति एक एक घर में जरूर ले जाएं, पैसे की कोई बात नहीं है, हमारी भेंट आपको है, ये आप सभी के लिए। चलो एक बात तो हो गई, जिनवाणी माता नहीं निकलेगी तो आपको पता है स्त्री से घर की रचना होती है, जिस घर में स्त्री नहीं होती उस घर का विनाश हो जाता है। युवक युवक क्या करेंगे, पुरुष क्या करेंगे, जिनवाणी माता जिस घर में रहती है उस मार्ग उस घर में मोक्ष मार्ग की परंपरा चलती है। आहार दान कैसे सीखोगे आप जिनवाणी से, पूजा भक्ति कैसे सीखोगे जिनवाणी से, प्रवचनकार तो प्रवचनकार कैसे बनना कोई इसे सीखेंगे, हम समाधि कैसे करना सीखेंगे इसी सीखेंगे। इसलिए एक चीज तो है कि जिनवाणी माता जरूर होना नंबर वन। अब नंबर टू कहूं बोलो देखो कहूं बोलो, यदि आपको पारसनाथ भगवान अच्छे लगते हैं, महावीर भगवान अच्छे लगते हैं, जैन शासन अच्छा लगता है और आपको लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947, उस समय आपको पता होगा कि वहां से रेलें रेड बॉडियों से भरी हुई आई थी और अमृतसर से सारे मुसलमानों को काट देते थे, वे वहां रेड बॉडी पहुंचती थी लाहौर और कराची। ये घटना बहुत फेमस है। मुझे इस बात की चिंता थी कि जैनों का क्या हुआ, हमारे जैन लोग वहाँ रहते थे मुल्तान नगर में, डेरा गाजी खान में, इनका क्या हुआ। तो मैंने खोज की, पता लगाया
जो लोग वहां से शरणार्थी बन के पूरे भारत आए थे 15 अगस्त के पहले आए थे, उन सब का क्या होगा? मैंने जब उनसे पूछा आदर्श नगर में जाकर के, वहां मुल्तान के लोग आदर्श नगर में, आप ये बता दो उस दिन जैनों का क्या हुआ? आपको सुनकर एक प्रसन्नता होगी, वर्ल्ड के कहीं भी दंगे होती है, बाढ़ होती है, अभी बाढ़ आई थी यहाँ पिछले साल, आप कल्पना कर सकते हो हमारा एक भी जैन उससे प्रभावित नहीं हुआ, और एक भी जैन मंदिर बाढ़ में प्रभावित नहीं हुआ, बिहार की बाढ़। ऐसे ही मुल्तान से और डेरा गाजी खान से हमारे 100% जैनी, 1% जैनी हवाई जहाज से आए, 99% जैनी पैदल पैदल आए। लेकिन आपको जानकर प्रसन्नता होगी जो जिनवाणी और देवशास्त्र की आराधना करते हैं उनमें से एक को भी खरोंच नहीं आई। आप कल्पना नहीं कर सकते, खरोंच मर्डर नहीं हुआ, जहां कोई लुटेरे आए उन्हें सोना उतार के देखो, चांदी उतार के देखो, हीरे की अंगूठी उतार के देखो, जहां जो आए ले लो, पैसे तो चाहिए ले, खाने का सामान चाहिए ले लो। आप कल्पना कर सकते हो भारत आते आते वो जीरो हुए, बिल्डिंग ला नहीं सकते थे, बिजनेस ला नहीं सकते थे, तेजोगियां ला नहीं सकते थे, बैंक ला नहीं सकते थे, जीरो। लेकिन आपको जानकर आनंद आएगा वहां हमारी एक भी प्रतिमा खंडित नहीं हुई, 100% प्रतिमा लेकर आए, 100% साथ, 100% साथ लेकर आए। जब वो प्लान किया एक बॉम्बे आकर के प्लान किया, डेकोटा विमान, उस जमाने में डेकोटा कहलाता था, एक विमान, बहुत पैसे वाले लोग थे, उन्होंने और भारत आकर के 15 अगस्त के पहले एक डेकोटा विमान किराए से लिया, समाज की मीटिंग तो थी, सारी पैकिंग की जिनवाणी और प्रतिमा सबसे पहले इन्हें पहुंचा, हमारे सेठ सेठानी नहीं आए, सबसे पहले इन्हें ले जाओ, पैकिंग की हवाई जहाज में लोड कर दिया। अब हवाई जहाज में वो डबल वेट हो गया वजन, उड़ाने वाला सिख पायलट था, वो सिख पायलट ही बोला सब प्रतिमा एक जैसी तो है, पार्श्वनाथ की 10 है, माँ की भगवान की 6 है, आदिनाथ की 10 है, एक लेके ले जाओ बाकी छोड़ जाओ, माँ मिल जाएंगी जयपुर में बहुत सारे, कहाँ ले जा रहे हैं यहाँ, ओवरलोड हो रहा है विमान, हम नहीं उड़ा पाएंगे। महिलाएं जो सेठानियां जो संपन्न लोग थे वे लोग नीचे उतर गए हवाई जहाज से, बोले हमारा कुछ भी हो जाए, हमारा मरण हो जाए, हम लुट पिट जाए, लेकिन हमारे भगवान को ले जाए। आप इन्हें ले जाओ। अब सिख सोचने लगा इन्हें देवशास लोगों का कितना आदर है, ये नीचे नहीं उतर, यानी खुद उतर के उन्हें नहीं उतार रहे भगवान को। मैं इसलिए कह रहा हूँ हमें लगता है मूर्तियों की क्या कीमत है और जिनवाणी की क्या कीमत है, इसी कीमत ने आज तक किसी दंगे में, दंगा समझते पूरे भारत में जब जब ये बम विस्फोट हुए मानव बम, लेकिन एक भी जैनी नहीं मरा आज तक। ये है हमारे रक्षक, देश साथ जो हमारे रक्षक है, उनके प्रति जो हमारा पुण्य है भक्ति है, ये हमारी रक्षक है। आपको पता होगा कितना परसेंट टैक्स केवल जेल चुका रहे, जबकि हम आधा परसेंट से कम है, 1/3 टैक्स जेल लोग चुका रहे पूरे देश का, अभी 24% लगा लेना गड़े लगा लेना, कहते रहो। अंतिम बात सुन लो बस, मुझे जो कहना है अतिशय और चमत्कार मैं ज्यादा नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो अंतिम बात ही कहूँ बेटे, चाहे कुछ हो जाए एक काम करना है हमको, अपनी जाति में ही विवाह करेंगे, कभी भी हम गैर जाति में शादी नहीं करेंगे, इस नियम पर कौन कौन तैयार है हाथ। शांत हो जाए भाई साहब, क्या कह रहे हैं सुनो, हम अगर बुजुर्गों ने भी उठाए तो उसका क्लियरिटी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, आप समझ लो मैं आप सबकी सहमति चाहता था, तो बुजुर्गों ने हाथ उठाया इसका मतलब नहीं कि वो शादी करेंगे, वे अपने बच्चों की शादी से बचाएं, बुजुर्गों का एक काम है कि उससे बचाएंगे। तो युवाओं से इसलिए कह रहे, बच्चियों से इसलिए कह रहे, बेटे जब हमारे घर में कोई अजैन आता है ना तो हमारे खाने पीने का कल्चर बिगड़ता है, उस घर में बुनियादी को आहार दान 18,500 बस नहीं होगा, आपके बच्चों को आप नमोकार नहीं सिखा पाओगे, बच्चे माँ के पास रहते हैं, अजैन माँ आएगी
तो वो वही सिखाएगी, वो जो जाती है मंगलवार और शुक्रवार और शनिवार। समझ गए बेटे? तो एक नियम आपका ये हो गया कि हम कभी गैर जाति में नहीं करेंगे, अपने माता पिता की आज्ञा से करेंगे और आगम की मर्यादा में करेंगे। यदि मम्मी पापा भी गए ना, कर ले तो हम आगम की मर्यादा में करेंगे, उनकी बात भी नहीं मानेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, पता नहीं मान पाओगे कि नहीं मान पाओगे, थोड़ी कठिन है, कहो तो कह तो देते ही। जैन जैन साहित्य इसकी महिमा बताई और जैन संस्कृति की महिमा है, वो हमारी रक्षा करती है। हम संस्कृति का नाश कर देंगे तो हमारा ही नाश हो जाएगा। एक बहुत गंदा काम हो रहा है शादियों में, पैसा तो है जैन समाज के पास लेकिन दूल्हा दुल्हन ही नहीं हासिल, नहीं ये नहीं होना चाहिए। हमारी दुल्हन हमारे घर की बहू, हमारे घर की सीता है, हमारे घर की अंजना है, हमारे घर की शान है। जेवरात कहाँ रखते हो आप? जेवरात रत्न कहाँ रखते हो आप? छिपा के रखते हो। बेटियों को कहना चाह रहा हूँ, बेटियों को, तुम अपने को रत्न समझो, कचरा मत समझो। आप बेचते नहीं हो जो बाजे वाले के सामने नाच रहे, वो सीटी मार रहा है, वो आपकी मोबाइल पर वीडियो बना रहा है, आप बेचते नहीं हो। आप जैन शासन के मुकुट हो, सिर पर रहने लायक हो। आपसे हमारा जैन शासन चलने वाला है। एक भी लड़की या लड़का यदि आप में से इतना बड़ा नियम ले रहा, बड़ा तो लगता हुआ थोड़ा, क्यों आजकल माहौल खराब है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं हमारे पास बेस्टिया कल्चर नहीं है, हमारे पास सीता कल्चर है। हम देश शासन की रक्षा तब कर पाएंगे जब हम बेस्टियाओं की तरह नाचेंगे। एक महिला संगीत वाला नियम सोच लो, यदि कोई हिम्मत वाला हो तो हाथ खड़ा करो। एक ने किया हाथ खड़ा, दो ने, पूरी पूरी सफाई है नहीं, हाथ तो खड़े करना जैसे हो सकते हो। बच्चियां नाचने तैयार है, इसके मतलब तो अच्छा, आप सुनाई नहीं पड़ा, सुनाई नहीं पड़ा। बच्चियां शादी के समय दूल्हा दुल्हन जैसे नाचते हैं सबके सामने, वैसे नाचने का नहीं चाहिए। सोच लो भाई, हमें तो बिल्कुल बेसिक कल्चर लगता है, हमारे घर की बहू और किसी के सामने नाचे, कमर मटकाए, फूले मटकाए, क्या ढोर जैसी बात करती बिल्कुल। एक एक काम नहीं करना जिंदगी में, ये दो काम नहीं करना, बाकी फिर कभी मिलेंगे आपको तब बताएंगे। हाँ, बच्चों के लिए और जो विद्यालय चलाते हो, बच्चों के लिए आपके घरों में रोज सुबह उठ करके आप इसमें से एक गीत गा सकते हो समूह में, और बच्चों के स्कूल में दोनों किताबें, ये दोनों किताबें बच्चों के स्कूल में चलेंगी। और चूंकि मैं लाया इसलिए था कि आप अच्छा फोन लोगे, मैं पूरे संघ को तो नहीं दे सकता ये सारी किताबें, लेकिन मैं एड्रेस इसमें है तो एक सेट दे रहा हूँ आपके, एक सेट आप यहाँ से मेरे से लेंगे और इसके एड्रेस आप सबको हमारे